हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी क्लैश का एक नई पीजी प्लेटफॉर्म पे। तो आज मैं दोस्तों आपको टॉक्सिकोलॉजी से रिलेटेड जो भी इमेजेस होंगी मैं वो आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये एक रिकॉर्डेड सेशन है, और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों थोड़ा सा अपने बारे में, थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बताया। तो मेरा नाम है डॉक्टर अंबुज मित्तल और मैं वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एलुमनाई रह चुका हूँ। और दोस्तों अपने पास आउट होने के बाद से मैं टीचिंग लाइन से जुड़ गया था और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल तक पहुँचाया है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि मैं टॉक्सिकोलॉजी के अंदर कुछ इमेजेस मैं डिस्कस करूंगा, थोड़ा तो सा अनअकैडमी के बारे में बताया था। अनअकैडमी बाहर के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे आपको नीट पीजी के लिए आपको गाइडेंस देते हैं, मेंटर करते हैं। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एजुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और ये एजुकेटर्स अपनी फील्ड में एकदम टॉप हैं। दोस्तों यहाँ पे स्पेशल क्लासेस भी होती हैं। इन स्पेशल क्लासेस का बेनिफिट ये होता है कि पूरी लाइव होती हैं। इसके अलावा ये दोस्तों कि आप अपने घर के सेफ इन्वायरमेंट में रहते रहते आप लाइव क्लासेस का बेनिफिट उठाते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको कंप्लीट कवरेज मिलता है सिलेबस का। यहाँ पे दोस्तों आप मॉक टेस्ट की सुविधा भी मिलती है। इन मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन का इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंटर्न की बात करूँ तो इंटर्न का डेली अलग अलग ड्यूटी आ रहता है, तो दोस्तों ऐसे में वो अपना एक शेड्यूल मेंटेन नहीं रख पाते। लेकिन दोस्तों यहाँ अनअकैडमिक प्लेटफॉर्म पे आप जब चाहें तब अपना खुद का टाइम टेबल बना के यहाँ पे आप अपनी लर्निंग कर सकते हैं। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, जब चाहे तब आके आप अपनी लर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको लैंग्वेज प्रेफरेंस मिलती है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मलयालम है, तमिल है और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में यहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों प्रैक्टिस के लिए क्विजेस की सुविधा भी दी गई। इन क्विजेस के थ्रू आप अपनी नॉलेज को भी टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप वीडियो को डाउनलोड करके भी रख सकते हैं ताकि आप उनको ऑफलाइन देख सकें, वो भी मल्टीपल टाइम। दोस्तों यहाँ पे आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पेशल क्लासेस लाइव होती हैं, तो यहाँ पे आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनके आंसर आपको तुरंत मिल जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको इंटरेक्टिव पोल की सुविधा मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जिसके चार ऑप्शन हैं या पांच ऑप्शन हैं, वो सारे ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे और जैसे ही आप ऑप्शन को क्लिक करेंगे वैसे ही रिजल्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। अगर दोस्तों आप बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में रहते तो भी आपको घबराने की बात नहीं है। आपको बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप हमसे जुड़ेंगे। सुना ये हुआ लर्न एनी टाइम एनी वेयर। दोस्तों आपको करना ये है कि आपको अपने स्मार्टफोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन के लिए दोस्तों आपके पास डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। दोस्तों अगर सब्सक्रिप्शन के टाइम पर अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे LIVEDRAM तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ये हुआ दोस्तों कि 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन के टाइम पर अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो ये आपको पड़ेगा 4,500 का। 3 मंथ्स का लेते तो दोस्तों मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 11,250 का। 6 मंथ्स का लेते तो दोस्तों मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 18,000 का। 12 मंथ्स का लेते तो दोस्तों मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 22,500 का। ऐसे दोस्तों अगर 24 मंथ्स का लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड LIVEDRAM मेरा रेफरल कोड यूज़ करने से आपको पड़ेगा 27,000 रुपीज़ का। तो दोस्तों जनरली तो इसके चार्जेस होते हैं वो होते हैं 30,000 रुपीज़, लेकिन दोस्तों अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे LIVEDRAM तो आपको 30,000 नहीं देना है, आपको पड़ेगा 27,000 रुपीज़ का। तो दोस्तों अगर मैं 12 मंथ के चार्जेस में अगर मैं 1 मंथ के चार्जेस और ऐड कर दूं तो ये भी दोस्तों होता है 27,000 रुपीज़। तो इसके अलावा ये हो दोस्तों सिर्फ 1 मंथ का एक्स्ट्रा पे कर देने से आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट मिलता है। यानी कि आपको पे करना है 13 मंथ्स के लिए, लेकिन आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे दोस्तों पूरे 2 साल के लिए आपको मिलते हैं। तो दोस्तों आज का ये सेशन स्टार्ट करता हूँ। जैसे स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेके आया करिए। यस आई कैन क्रैक इट, आई कैन क्रैक नीट पीजी। दोस्तों अपने अंदर बिलीव लेके आना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों यही आपके अंदर बिलीव लेके आता है कि आप जो है क्रैक कर ले जाएंगे। आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेके आता ही है। तो दोस्तों पहली इमेज लेने से पहले मैं बता दूँ कि ये मेरा सेकेंड लास्ट वीडियो है। ये एक रिकॉर्डेड सेशन है दोस्तों, इसके बाद एक वीडियो और आएगा, उसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगा। तो सेकेंड लास्ट वीडियो है दोस्तों ये टॉक्सिकोलॉजी के रिगार्डिंग इमेजेस मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे। हालांकि मुझे कम टाइम प्रोवाइड किया गया है आज की वीडियो के लिए, तो कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं कवर कर सकूँ। तो ये जो ट्यूब है दोस्तों, ये ट्यूब पता नहीं, ये है दोस्तों इवाइल्स ट्यूब। तो दोस्तों ये गैस्ट्रिक लेवाज के अंदर मदद करता है।
और दोस्तों ये है डबल ल्यूमेन ट्यूब। तो दोस्तों ये गैस्ट्रिक लेवाज में मदद करता है, गैस्ट्रिक लेवाज में हमें ये ट्यूब चाहिए रहती है। तो गैस्ट्रिक लेवाज में हमें मदद मिलती है इन ट्यूब से। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं तो कार्बोलिक एसिड, ये जो इमेज है दोस्तों ये कार्बोलिक एसिड के रिगार्डिंग है। तो ये हो गया दोस्तों कार्बोलिक एसिड। तो दोस्तों इसके अंदर हालांकि मैं हिस्ट्री देना चाह रहा था कि सपोज़ करिए कि कोई पेशेंट है जो कंप्लेंट कर रहा है कि उसकी यूरिन ग्रीन कलर की आ रही है और उनके आईज़ में या कार्टिलेज के अंदर, आईज के कार्टिलेज के अंदर कुछ डिपॉजिट भी हो रहा है, तो दोस्तों उसको बोलते हैं ओपरनोसिस। तो जो ग्रीन कलर आती है दोस्तों उसको बोलते हैं कार्बोल यूरिया। तो दोस्तों इन्हीं दो हिस्ट्री से हम पता कर सकते थे कि ये कौन सा टॉक्सिक एजेंट है। दोस्तों ये है कार्बोलिक एसिड। तो दोस्तों कार्बोलिक एसिड के रिगार्डिंग मैंने ऐप के अंदर भी एक निमोनिक दे रखा था, निमोनिक था दोस्तों ब्रेव चिंटू कोका पी गया। तो ब्रेव चिंटू कोका पी गया। तो दोस्तों बी से हो गया दोस्तों ब्राउनिश ओरल म्यूकोसा। सी से दोस्तों हो गया कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल। सी से दोस्तों हो गया कार्बोल यूरिया जो कि ग्रीन कलर यूरिन होती है। ओ से दोस्तों क्या ओक्रोनोसिस जो कि दोस्तों होता है डिपॉजिट्स ऑन कार्टिलेज। सी ए से दोस्तों क्या कार्बोनिक एसिड। पी से और एस से दोस्तों इसके दो मेटाबोलाइट्स होते हैं। इन दो मेटाबोलाइट का दोस्तों नाम होता है पैराकेटोकोल एंड हाइड्रोक्विनोन। और गैस से दोस्तों ग्रीन कलर यूरिन। तो जिसको दोस्तों नाम दिया गया कार्बोल यूरिया। तो दोस्तों ये है कार्बोलिक एसिड के रिगार्डिंग निमोनिक, इससे आप कार्बोलिक एसिड काफ़ी अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो जैसे कि फिनॉल वगैरह है दोस्तों ये सारे एंटीसेप्टिक की तरह यूज होते हैं, इससे दोस्तों कार्बोलिक एसिड के अंदर जो डिकम्पोजिशन होता है वो डिलेड होता है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है फिनॉल, तो इसलिए डिलेज डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडी। तो दोस्तों ये है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कुछ चाहिएगा तो कार्बोल यूरिया और ओक्रेनोसिस यहाँ पे दे रखा है। तो लाइजोल वगैरह में यूज़ होता है, डेटॉल वगैरह, हाउसहोल्ड फिनॉल। तो दोस्तों एंटीसेप्टिक होते हैं ये। नेक्स्ट दोस्तों आइडेंटिफाई करना है, हिस्ट्री में अगर मैं आपको बताऊँ तो इंक रिमूवल की तरह ये काम करता है और जो गैस्ट्रिक ग्लूकोस है वो ब्लैक कलर की हो गई है। तो दोस्तों ये जो इमेज है ये है ऑक्सैलिक एसिड। तो ये रहा ऑक्सैलिक एसिड। तो दोस्तों ऑक्सैलिक एसिड के रिगार्डिंग मैंने आपको एक निमोनिक दिया था, वो था दोस्तों ओए बी सी सी आई। तो ओए से हो गया दोस्तों ऑक्सैलिक एसिड, बी से दोस्तों हो गया ब्लैक कलर की गैस्ट्रिक ग्लूकोस आती है इसके अंदर, सी से दोस्तों हो गया कैल्शियम ग्लूकोनेट इसका जो है एंटीडोट है, सी से दोस्तों आप बोल सकते हैं हाइपोकैल्सीमिया वगैरह भी होता है और कॉफी ग्राउंड वॉमिटर्स भी आता है इसके अंदर। सीएनएस का डिप्रेसेंट भी इसके अंदर देखा जाता है और आई से दोस्तों हो गया इंक रिमूवल की तरह काम करता है। तो हालांकि दोस्तों मैंने ये सारी चीज़ें ऐप के अंदर जो मैं टॉक्सिकोलॉजी टॉपिक रहा है मैंने उसके अंदर बहुत ही अच्छे से मैंने इसको कवर किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बारी मेरी आप वो टॉपिक जरूर देखें, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं तो ये रही एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑक्सैलिक एसिड के रिगार्डिंग। तो सॉल्ट ऑफ सॉरल या फिर एसिड ऑफ शुगर के नाम से भी हम
जानते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, तो हमें आइडेंटिफाई करना है, तो ये है दोस्तों आयोडीन। तो ये रहे आयोडीन के रिगार्डिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ब्लैकिश ब्लूइश ब्लैक या फिर ग्रे स्केली क्रिस्टल विद मेटलिक लस्टर, ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। गैस्ट्रिक मिकोसा जो होती है दोस्तों, गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो होती है दोस्तों ये येलो या फिर ब्लू कलर की आती है, ब्लू कलर की इसके अंदर हो जाती है। और गैस्ट्रिक लेवाज जो हम करेंगे वो स्टार्च से करेंगे या फिर सोडियम सोडियम थायोसल्फेट से हम करेंगे। तो गैस्ट्रिक लेवाज करेंगे विथ स्टार्च एंड सोडियम थायो सल्फेट। तो स्टार सॉल्यूशन या फिर सोडियम थायो सल्फेट, पीछे दोस्तों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आइडेंटिफाई करना है ये क्या है, तो ग्रीनिश या फिर ब्लूइश स्टोमक कंटेंट एंड गैस्ट्रिक मिकोसा। तो दोस्तों ये हो गया कॉपर, तो कॉपर के अंदर ही दोस्तों क्लेप्टन लाइंस आती हैं, पीछे ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये हमें क्रिस्टल को आइडेंटिफाई करना है, इसके अंदर मैं आपको जो हिस्ट्री दूँ, हिस्ट्री है दोस्तों कि ट्रांसवर्स वाइट लाइन आती है नेल्स के ऊपर या फिर सब एंडोकार्डियल हेमरेज आता है। तो दोस्तों ये हो गया आर्सेनिक पॉइजनिंग। तो दोस्तों आर्सेनिक पॉइजनिंग के रिगार्डिंग मैंने निमोनिया दिया था, वो था आर्सेनिक। तो ए से हो गया दोस्तों एबॉर्शन या फिर एल्ब्रिज मीज लाइन या फिर आर्सिनोफेजिस्ट या फिर एफ्रोडाइसिक, तो काफ़ी सारे हैं। तो सिंस टाइम कम मिला मेरे को, तो आज थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ मैं। एल्ब्रिज मीज लाइन, आर से दोस्तों रैश या फिर रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन या फिर रेड वेलवेटी म्यूकोसा या फिर रिंग्स टेस्ट, तो आर से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो रैश या फिर रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन या फिर रेड वेलवेटी म्यूकोसा, एस से दोस्तों हो गया सब एंडोकार्डियल हेमरेज, सब एंडोकार्डियल हेमरेज, इसके दो सॉल्ट है दोस्तों संख्या संभालकर। ई से दोस्तों हो गया एक्सेसिव पिगमेंटेशन ऑफ पाम एंड सोल, पाम एंड सोल। एन से दोस्तों हो गया न्यूराइटिस, आई से दोस्तों हो गया फेरिक ऑक्साइड इज नॉन स्पेसिफिक एंटीडोट, तो FeO जो होता है इसका नॉन स्पेसिफिक एंटीडोट है, नॉन स्पेसिफिक एंटीडोट। सी से हो गया दोस्तों ये कोलेरा की तरह मिमिक करता है, मिमिक कोलेरा। और दोस्तों आर्सेनिक के लिए जो इसका जो एंटीडोट है वो होता है बाल, बाल इसका एंटीडोट होता है। तो दोस्तों ये हो गया इमेज रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन। ध्यान रहे दोस्तों ये सेकंड लास्ट वीडियो है मेरा, तो नेक्स्ट एक वीडियो और आएगी, उसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगी। और ये हो गया दोस्तों ट्रांसवर्स मीज लाइन, जिसको हम बोलते हैं एल्ड्रिच मीज, जिसको हम दोस्तों बोलते हैं एल्ड्रिच मीज लाइन। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, ये हिस्ट्री में देता हूँ दोस्तों, इसके अंदर एक्सेसिव सलाइवेशन देखा गया, इसके कंजम्पशन के बाद थोड़ा सा न्यूरोसाइकेट्रिक चेंजेस आ गए, जैसे थोड़ा सा साइनस आ गया या और इसके अंदर दोस्तों ट्रेमर्स आते हैं। और तो दोस्तों इन सब से बताइए, ये हो गया दोस्तों मरकरी पॉइजनिंग, ये क्या दोस्तों मरकरी पॉइजनिंग। तो दोस्तों मरकरी पॉइजनिंग के रिगार्डिंग मैंने एक निमोनिक दिया था, वो था थ्री मीट्स। तो MMMEATS,
तो दोस्तों ए से हो गया एम, ए के एम पहले, एम से हो गया मर्क्यूरियल एंटिस, मर्क्यूरियल एंटिस। सेकेंड एम से दोस्तों आप बोल सकते हैं मेम्ब्रेनियस कोलाइटिस, डिप्थेरिया कोलाइटिस भी आप बोल सकते हैं। कोलाइटिस एक एम से दोस्तों हो जाता है मीनामाटा डिजीज, मीनामाटा डिजीज। और ई से दोस्तों होता है एरिथ्रिज्म। ए से दोस्तों हो गया एक्रोडाइनिया। टी से दोस्तों हो गया ट्रिमर्स। और एस से दोस्तों हो गया एक्सेसिव सलाइवेशन। तो दोस्तों ये है मीनामाटा डिजीज। जापान में देखा गया था दोस्तों। और दोस्तों ये है एक्रोडाइनिया, जिसका ना दूसरा नाम है दोस्तों पिंक डिजीज। दोस्तों अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो या तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं टॉक्सिकोलॉजी के ऊपर, या फिर आप जो है ऐप के अंदर भी आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसको बहुत अच्छे बहुत ही अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट पॉइजन की दोस्तों बात करते हैं। गम्स के ऊपर दोस्तों लाइन्स आई हैं, ब्लू लाइन्स ऑफ गम्स हैं। और दोस्तों ड्रॉप देखा गया है, फुट ड्रॉप और रिस्ट ड्रॉप। तो दोस्तों ये जो है, ये है दोस्तों बर्टोनियल लाइन्स। और दोस्तों ये देखा गया फुट एंड रिस्ट ड्रॉप। तो दोस्तों ये चीजें देखी जाती है लेड पॉइजनिंग के अंदर। तो दोस्तों लेड पॉइजनिंग के लिए मैंने जो निमोनिक दिया था, जो मैंने जब आपको पढ़ाते समय लाइव क्लासेस जब मैंने आपको पढ़ाई थी, तो उसके जो निमोनिक दिया था दोस्तों, वो मैंने बताया था ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। तो दोस्तों ए से हो गया एनीमिया एंड एबॉर्शन एमेनोरिया। बी से दोस्तों हो गया बेजोफिलिक स्टिपलिंग एंड या फिर बर्टोनियन लाइन। तो बेजोफिलिक स्टिपलिंग। और एक बी से आप दोस्तों ले सकते हैं बर्टोनियन लाइन। सी से दोस्तों हो गया कोलिकी एंड कॉन्स्टिपेशन। इन दोनों को बोला जाता है दोस्तों ड्राई बेली एक्ट। तो कॉलिकी एंड कॉन्स्टिपेशन, इसको दोस्तों बोला जाता है ड्राई बेली एक। और दोस्तों डी से आप ले सकते हैं ड्रॉप, यानी कि फुट ड्रॉप एंड रिस्ट ड्रॉप, फुट एंड रिस्ट ड्रॉप। ई से दोस्तों आप ले सकते हैं एनसेफलोपैथी। और जो तो इसका जो एंटीडोट होता है वो तो होता है दोस्तों ईडीटी है, तो एन सेफलोपैथी। और एंटीडोट होता है दोस्तों इसका ईडीटी है। और दोस्तों एफ से होता है दोस्तों इसका फेशियल पैलर, अर्लीएस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट सिस्टम सिम्टम। नेक्स्ट दोस्तों आइडेंटिफाई करना है ये जो सीड्स हैं दोस्तों, ये सीड हैं दोस्तों कैस्टर के। तो ये कैस्टर प्लांट, और ये कैस्टर का फ्रूट, तो ये हो गया कैस्टर, जिसका नाम है दोस्तों रिसिनस कम्युनिस। टॉक्सिक प्रिंसिपल दोस्तों रेसिन। नेक्स्ट दोस्तों इमेज को आइडेंटिफाई करना है, ये है दोस्तों प्रोटॉन सीड्स। ये दोस्तों प्रोटॉन सीड्स हैं। तो प्रोटॉन सीड्स जैसे कि आप जानते ही हैं कि नेपाला या फिर जमाल गोटा नाम दिया गया है इसका। तो दोस्तों दोनों के बीच का डिफरेंशिएटिंग फीचर कैस्टर सीड एंड प्रोटॉन सीड के बीच का, तो
तो अपीरियंस दोस्तों उसका होता है ग्रेइश ब्राउन, और यहाँ पे होता है दोस्तों डार्क ब्राउन, ग्लॉसी नॉन ग्लॉसी होता है लेकिन ये थोड़ा सा ग्लॉसी होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये काफ़ी ग्लॉसी है, चमकदार है, लेकिन ये थोड़ा सा कम ग्लॉसी है। तो प्रोटॉन के बारे में, प्रोटॉन टिग्लम, और जिसका दूसरा नाम है दोस्तों नेपाला या फिर जमाल गोटा। इमेज को आइडेंटिफाई करना है दोस्तों, तो ये जो इमेज है दोस्तों ये है एप्रस की, यानी कि रत्ती या फिर एप्रस प्रिकाटोरियस। तो एप्रस या फिर प्रिकाटोरियस, तो रत्ती इसका नाम होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो होता है ये प्लांट वाइपर वेनम की तरह आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये मिमिक जो करता है वो वाइपर वेनम की तरह मिमिक करता है। तो एप्रस इज सिमिलर टू वाइपर स्नेक वेनम। नेक्स्ट दोस्तों इमेज को आइडेंटिफाई करना है। ये जो इमेज है दोस्तों ये जो इमेज है दोस्तों ये है राई की, ये है राई प्लांट की, लेकिन दोस्तों ये जो ब्लैक पोर्शन है ये है दोस्तों अर्गॉट, ये है दोस्तों अर्गॉट। तो अर्गॉट की बात चलिए दोस्तों, तो फंगस होता है दोस्तों क्लेविस प्रोक्यूरा, तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट इमेज दोस्तों आइडेंटिफाई करनी है, तो ये जो इमेज है दोस्तों ये है दोस्तों इसकी कैप्सिकम की, यानी कि चिली सीड, चिली सीड यानी कि कैप्सिकम, जिसको हम कंफ्यूज हो सकते हैं दोस्तों धतूरा से। तो आगे मैंने स्लाइड रखी हुई है, तो मैं उस टाइम पे आपको डिस्कस कर दूंगा, कुछ ही स्लाइड बाद वो आएगा। तो दोस्तों ये जो इमेज है वो कैप्सिकम की थी, द सीड रिजेंबल टू धतूरा सीड। तो दोस्तों हम कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ द फ्रूट कंटेन स्मॉल एंड फ्लैट येलोइश सीड। तो दोस्तों थोड़े से येलोइश सीड होते हैं। नेक्स्ट इमेज को आइडेंटिफाई करना है, तो दोस्तों ये है वाइट मदार। तो दोस्तों दो टाइप के मदार होते हैं, वाइट मदार या फिर ये दोस्तों आप ले सकते हैं पर्पल मदार, ये भी दोस्तों मदार है। तो दोस्तों दो टाइप के मदार होते हैं, पर्पल कलर के फ्लावर और वाइट कलर के फ्लावर। तो मदार आंकड़ों जिसका नाम है कैलाट्रॉपिस। तो यूज चेचिन एक्टिव टॉक्सिक प्रिंसिपल आप याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों इमेज को आइडेंटिफाई करना है, तो ये है दोस्तों सेमी कार्पस अन्ना कार्डियम, यानी कि मार्किंग नट, मार्किंग नट। तो भिलावा नोल सेमी कार्पस अन्ना कार्डियम मार्किंग नट। तो दोस्तों ये आर्टिफिशियल ब्रूस पैदा करने के लिए भी काम आता है, तो यूज टू फैब्रिकेट ब्रूस या फिर बोन, ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों ये है वॉर गैस के बारे में इंफॉर्मेशन। तो लैक्रिमेटर्स वो होते हैं जो दोस्तों आंसू गैस, जो आंसू गैस होते हैं जो आंसू निकालते हैं। लंग इरिटेंट यानी कि लंग्स के अंदर थोड़ा सा एस्फिक्शिया या फिर चोकिंग की तरह काम करेगा ये। वेसिकेंट यानी कि ब्लिस्टर कॉज करेगा दोस्तों। स्टर्नोनेटर्स यानी कि नेजल इरिटेंट होते हैं ये। पैरालाइजेंट थोड़ा सा पैरालिसिस कॉज कर सकते हैं या फिर नर्व गैस। तो दीज एजेंट हैव एसिटाइलकोलाइन लाइक एक्शन। तो दोस्तों मैं एक बारी जो है नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर देता हूँ एक मिनट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो ये है दोस्तों स्नेक्स। तो दोस्तों अगर स्नेक्स के बैली पे, स्नेक की जो बैली होती है दोस्तों उसके अगर बैली पे पूरे के पूरे स्केल होंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा पॉइजनस वेनमस स्नेक। तो दोस्तों शोज बैली स्केल ऑफ पॉइजनस स्नेक्स। तो अगर कंप्लीट एंड ब्रॉड हैं तो दोस्तों ये हो गया पॉइजनस स्नेक। तो ये दोस्तों ये हो गया पॉइजनस स्नेक। अगर दोस्तों इनकम्प्लीट या फिर नहीं है तो दोस्तों ये हो गया नॉन पॉइजनस स्नेक। तो दोस्तों दोनों के बीच के डिफरेंशिएटिंग फीचर्स, तो ये हो गया वेनमस और दोस्तों ये हो गया नॉन वेनमस।
नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, अगर दो फैंग्स आएंगे तो दोस्तों ये जो टीथ के मार्क होते हैं ये दोस्तों पॉइजनस स्नेक के होते हैं ये, और लेकिन अगर दोस्तों मल्टीपल फैंग या मल्टीपल टीथ मार्क आते हैं तो दोस्तों ये हो गया नॉन पॉइजनस। ये दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये है दोस्तों बोआ या फिर पाइथन, ये दोस्तों एक नॉन पॉइजनस स्नेक में आता है, इसी के काटने से दोस्तों ऐसे टीथ के मार्क आएंगे। तो दोस्तों इमेज को आइडेंटिफाई करना है, ये है इमेज कौन से स्नेक की, ये है कोबरा स्नेक की। तो दोस्तों कोबरा स्नेक तो जूलॉजिकल नेम है इसका नाजा नाजा, तो मोनोसीन या फिर बैनोसिलेट दो टाइप के होते हैं, तो दोस्तों ये हो गया मोनोसीन और ये हो गया दोस्तों बैनोसिलेट। इसका जो वेनम होता है दोस्तों न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है। नेक्स्ट दोस्तों स्नेक की बात करते हैं, ये है दोस्तों कॉमन क्रेट, ये है दोस्तों कॉमन करेट, तो ये है दोस्तों कॉमन करेट, इसका जो वेनम होता है दोस्तों वो न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है। नेक्स्ट दोस्तों स्नेक देखते हैं, तो दोस्तों ये है इसमें बैंड देख रहे हो आप, यहाँ पे आप बैंड देख रहे हैं, तो ये जो बैंड है इसकी वजह से नाम पड़ा इसका बैंडेड क्रेट, सिंस क्रेट है तो इसका भी वेनम जो होगा वो न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है, तो बैंडेड क्रेट इसका भी जो वेनम होता है वो न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है। यहाँ पे दोस्तों स्नेक में आप ऐसा स्केल्स देख रहे हैं ऐसा सॉ लाइक, तो ऐसा स्केल आप देख रहे हैं तो ये होता है सॉ लाइक, तो इसलिए दोस्तों ये जो स्नेक है ये है सॉ स्केल वाइपर, तो ये हो गया सॉ स्केल वाइपर। सिंस वाइपर है तो दोस्तों इसका जो वेनम होगा ये वेस्कुलोटॉक्सिक होगा, वेस्कुलोटॉक्सिक एंड हेमीटॉक्सिक इसका होता है, तो दोस्तों ये हो गया सॉ स्केल वाइपर, तो दस नेम सॉ स्केल वाइपर, सॉ स्केल सॉ वाइपर सेरेटेड सॉ लाइक, इसलिए इसका नाम पड़ा है दोस्तों सॉ स्केल वाइपर। 5B से दोस्तों आप याद कर सकते हैं वाइपर, विविपेरस, वर्टिकल प्यूपल, वी शेप हेड या फिर वेस्कुलोटॉक्सिक वेनम, तो दोस्तों 5B से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं ये, तो ये है दोस्तों एक रसल वाइपर, सिंस ये भी एक वाइपर है तो दोस्तों ये भी वेस्कुलोटॉक्सिक होगा, इसका दूसरा नाम है दोस्तों घोनस, तो घोनस के नाम से हम इसको जानते हैं, तो ये भी वेस्कुलोटॉक्सिक एंड हीमोटॉक्सिक इसका जहर होता है। ये तो काफ़ी इजी है दोस्तों आइडेंटिफाई करना, समुद्र के अंदर है तो दोस्तों ये हो गया सी स्केल सी स्नेक। सी स्नेक की दोस्तों खासियत होती है उसकी जो टेल होती है थोड़ी सी टेपर्ड होती है, चपटी होती है ताकि तैरने में उसको मदद हो, तो बॉडी इज फ्लैट एंड बॉडी स्केल आर नॉट ब्रॉड, तो टेल इज फ्लैट एंड पैडल शेप, तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा सी स्नेक जो होता है ये मायोटॉक्सिक होता है, यानी कि स्केलेटल मसल के ऊपर दोस्तों एक्ट करता है, तो ऐसे से आप याद कर सकते हैं स्केलेटल मसल के ऊपर एक्ट करता है, तो दोस्तों आप SS से दोस्तों आप याद कर सकते हैं निमोनिक। तो दोस्तों सबसे पॉइजनस जो अगर मैं बोलूं तो मोस्ट पॉइजनस जो स्नेक होता है वो होता है कॉमन थ्रेट, तो मोस्ट पॉइजनस जो होता है दोस्तों वो होता है कॉमन करेट। आप देख सकते हैं दोस्तों इन सारे स्नेक्स के अंदर सबसे कम फेटल डोज जो है करेट का है, लेकिन दोस्तों जो सबसे पॉइजनस है मोस्ट डेंजरस तो दोस्तों जो मोस्ट डेंजरस स्नेक है वो होता है दोस्तों कोबरा, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं एक ही बार में 300 से 350 ml जो है वेनम छोड़ता है विक्टिम के अंदर, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा वेनम ये छोड़ता है, तो दोस्तों इसलिए होता है मोस्ट डेंजरस। लेकिन दोस्तों जो जहर जिसका सबसे ज़्यादा पॉइजनस होता है, सबसे ज़्यादा जहरीला जो होता है, तो दोस्तों वो होता है क्रेट। तो दोस्तों इमेज को आइडेंटिफाई करना है, ये है दोस्तों स्पैनिश फ्लाई या फिर इंडियन ब्लिस्टर बीटल,
स्पेनिश स्पेनिश फ्राई या फिर इंडियन ब्लिस्टर बीटल, कैथरीडीन पॉइजन की यहाँ पे बात करें हम, कैंथ्राइड्स पॉइजन की हम बात कर रहे हैं। प्रायोप्रिज्म दोस्तों कॉज करता ही है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं स्कॉर्पियन की, ये है स्कॉर्पियन, तो ये है दोस्तों स्कॉर्पियन। ये जो इमेज है दोस्तों ये है बीस की, बीस, तो इनके वेनम को आपको ध्यान रखना रहेगा। ये है दोस्तों वेब्स, तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइजन के ऊपर बात करते हैं। तो एक ये इमेज है इस पॉइजन के रिगार्डिंग, मोनो प्रोटोफोस जो कि एक इंसेक्टिसाइड है। अरे एक आप ये ले सकते हैं इमेज, तो मालाथायोन आप ले सकते हैं, या फिर आप मालाथायोन ले सकते हैं। या फिर डायजिनॉन, या फिर आप डायजिनॉन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जो इमेज है ये है दोस्तों ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग की। तो ऑर्गेनो फॉस्फोरस कंपाउंड्स, तो दोस्तों यहां हम बात करें एग्रीकल्चर पॉइजनिंग की, तो एग्रीकल्चर पॉइजनिंग की, तो दोस्तों ऑर्गेनोफॉस्फोरस के रिगार्डिंग आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो ये रहे एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि ये क्या क्या कॉज कर सकता है। तो दोस्तों ऑर्गेनोफॉस्फोरस के रिगार्डिंग ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके अंदर रेड टीयर आते हैं यानी कि खून के आंसू, आप ऐसे याद कर सकते हैं। एग्रीकल्चर पॉइजन के अंदर काफ़ी सारे किसान लोग नहीं खाए, ये बोलना ठीक नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये आप रेड टीयर यानी कि खून के आंसू इसके अंदर निकलते हैं यानी कि क्रोमो लैक्रोरिया, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए निमोनिक है दोस्तों, बी थ्री विद इंक्रीज वाटर लॉस एंड स्लच, तो ये हो गया स्लच, और बी थ्री एक दो तीन, बी थ्री विद इंक्रीज वाटर लॉस, तो आप ऐसे करके आप निमोनिक आप ले सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, ये जो टैबलेट्स हैं दोस्तों, ये टैबलेट्स हैं इस आपकी सेल्फोस की, सेल्फोस सेल्फोस जिसका दूसरा नाम है दोस्तों एल्युमिनियम फॉस्फाइड, जिसका दूसरा नाम है दोस्तों एल्युमिनियम फॉस्फाइड। इसके अंदर दोस्तों ध्यान रखिएगा 3 ग्राम जो टैबलेट होती है दोस्तों, 3 ग्राम टैबलेट जो है 1 ग्राम फॉस्फीन गैस रिलीज करता है। तो 3 ग्राम एल्युमिनियम फॉस्फाइड रिलीज करता है दोस्तों 1 ग्राम फॉस्फीन गैस, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये आप जानते हैं, इनिबिट साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, तो इनिबिट साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं ओलियंडर की, ये है दोस्तों ओलियंडर, ये है दोस्तों ओलियंडर जिसको कनेर के नाम से हम जानते हैं, ओलियंडर कनेर के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं एकोनाइट, एकोनाइट्स के अंदर ध्यान रखेगा दोस्तों इसके अंदर एक साइन आता है, वो है हिप्पस साइन, हिप्पस साइन। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, जो प्यूपिल्स होती है वो दोस्तों जो है अल्टरनेटिवली कॉन्ट्रैक्ट डायलेट करती हैं। तो ये दोस्तों एकोनाइट जिसको दोस्तों मॉन्ग फूट बेस या फिर मीठा जहर के नाम से भी हम जानते हैं। ये है दोस्तों बिटर आलमंड स्मेल आती है, तो ये है बिटर आलमंड, बिटर आलमंड यानी स्मेल आएगी। तो दोस्तों लिंसेट प्लांट ध्यान रखिएगा, लिंसेट प्लांट से ये हाइड्रोसाइनिक एसिड डिराइव किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो एंटीडोट है वो होता है दोस्तों एमाइल नाइट्रेट,
इसका दोस्तों एंटीडोट होता है। नेक्स्ट दोस्तों ये है दोस्तों पॉपी, पॉपी प्लांट यानी कि पेपरवर्स सोमनिफेरस ओपियम। तो मॉर्फिन, कोडीन या फिर हीरोइन, ये सारी चीज़ें से डिराइव होती हैं। तो ये है दोस्तों राइप पॉपी कैप्सूल और ये दोस्तों खसखस। नेक्स्ट दोस्तों आइडेंटिफाई करना, ये जो सीड्स हैं दोस्तों आप चिली सीड से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो दोस्तों ये है धतूरा प्लांट, ये है दोस्तों धतूरा प्लांट जो कि दोस्तों एक रोड साइड पॉइजन है, ये आप ले सकते हैं धतूरा प्लांट। तो 9D से ये फेमस है, 9D पॉइजन के नाम से ये फेमस है। तो धतूरा सीड्स और चिली सीड्स से जैसे मैंने कहा था कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए दोस्तों दोनों के बीच का डिफरेंशिएटिंग फीचर्स, तो जैसे मैंने आपको इमेज के अंदर मैंने दिखाया था कि जो चिली सीड्स होती है वो येलोइश कलर की होती है, लेकिन जैसे धतूरा सीड्स आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी ब्राउनिश कलर की हैं, तो ये आप ब्राउनिश कलर आप देख सकते हैं। इसका जो दोस्तों एंटीडोट होता है वो दोस्तों होता है फ्योस्टिगमाइन या फिर पिलोकार्पाइन, फिजियो स्टिगमाइन या फिर पिलोकार्पाइन। नेक्स्ट दोस्तों इस प्लांट को आइडेंटिफाई करना है, तो दोस्तों ये है कैनाबिस, कैनाबिस का प्लांट है दोस्तों ये, तो कैनाबिस, कैनाबिस सटाइवा या फिर कैनाबिस इंडिका, इंडियन हैम। तो दोस्तों इससे क्या क्या ड्राइव होता है, गांजा, भांग, ये सारी चीज़ें ड्राइव होती है कैनाबिस से, ये सारी चीज़ें ड्राइव होती हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं ये सीड्स की, तो दोस्तों ये जो सीड है ये है स्ट्रिक्नीन पॉइजनिंग, जिसको हम बटन डॉग, जिसको हम दोस्तों डॉग बटन या फिर कुचीला या फिर नक्स वॉमिका ये हम ले सकते हैं। तो नक्स वॉमिका या फिर स्ट्रिक्नीन पॉइजनिंग, ये स्ट्रिक्नीन पॉइजनिंग या फिर नक्स वॉमिका। दोस्तों ध्यान रहे कि जो जो ये जो सीड हैं दोस्तों, अगर क्रश सीड होंगी तो ही ये पॉइजनस होता है, अनक्रश सीड पॉइजनिंग नहीं होता है। तो स्ट्रिक्नीन पॉइजनिंग, तो दोस्तों स्ट्रिक्नीन पॉइजनिंग के रिगार्डिंग ये जो है इसके अंदर क्या सिम्टम्स शो होते हैं, तो जो फिगर ए है दोस्तों ये है ऑफिस्टोटोनस पॉइजनिंग, जो कॉज करेगा ऑफिस्टोटोनस। बी जो है दोस्तों ये होता है इसको एम्फोस्टोटोनस, और दोस्तों ये जो लेटरल बेंडिंग है इसको दोस्तों बोला जाता है प्लूरोस्टोटोनस। तो दोस्तों जो स्ट्रिक्नीन पॉइजनिंग होती है इसका जो एंटीडोट होता है वो होता है दोस्तों डायजेपाम, डायजेपाम इसका एंटीडोट होता है। तो दोस्तों लास्ट इमेज देता हूं मैं, तो ये है दोस्तों कोनियम मैकुलेटम, जिसको दोस्तों हेमलॉक के नाम से जानते हैं, तो ये है दोस्तों हेमलॉक। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये मैंने सेकंड लास्ट वीडियो मैंने ख़त्म किया, ये है दोस्तों सेकंड लास्ट वीडियो। नेक्स्ट एक और लास्ट वीडियो आएगी, उसके बाद फिर कोई वीडियो नहीं आएगी। तो दोस्तों बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जैसे हमेशा मैं आपको आपको कहता हूँ कि अपने तो पॉजिटिव एनर्जी लेके आया करिए जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, कि येस आई कैन क्रैक इट, आई कैन क्रैक नीट पी जी। दोस्तों ये चीज़ मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि ये चीज़ आपके अंदर बिलीव लेके आता है कि हाँ कि आप कर सकते हो। तो बिलीव लेके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों ये सेशन एंड करता हूँ, लेकिन एंड करने से पहले हमारे चैनल लेस ट्रैक नीट पी जी, इसको दोस्तों सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, बेल आइकन को अगर आप प्रेस करते तो हमारे नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा और इससे कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। दोस्तों भूलेगा नहीं वीडियोस को लाइक करना,
दोस्तों सब्सक्रिप्शन के टाइम पे मेरा कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, मेरा जो कोड है वो LIBERM, अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो दोस्तों जनरली अगर 24 मंथ का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके चार्जेस होते हैं 30,000 रुपीज़, लेकिन दोस्तों अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे LIBERM तो आपको 30,000 नहीं देना पड़ेगा, ये आपको 27,000 रुपीज़ ही देना रहेगा। ऐसे दोस्तों अगर 12 मंथ के चार्जेस की बात करूँ मैं तो उसके चार्जेस होते हैं 22,500 के, लेकिन दोस्तों अगर आप इसके अंदर 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन और ऐड कर देते हैं तो दोस्तों ये हो जाता है 4,500, तो टोटल अगर करें तो ये भी आता है 27,000 रुपीज़, तो दोस्तों जो कि इक्विवेलेंट है 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए। तो दोस्तों आपने देखा कि सिर्फ 1 मंथ का एक्स्ट्रा पे कर देने से आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट मिलता है, यानी कि आपको पे करना है 13 मंथ्स के लिए, लेकिन आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे दोस्तों वो पूरे 2 साल के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन मैं एंड करता हूँ। तो हाँ दोस्तों मेरा फ़ोन नंबर लीजिए, अगर आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत आए तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8899853841। तो दोस्तों ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत आती है तो आप मेरे से ऐप के अंदर या फिर आप मेरे को माफ कीजिएगा आप पर्सनली मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप मेरे से कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों एंड करता हूँ, तब तक थैंक यू सो मच।